हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पांच ऐसे स्मार्टफोन्स जो आपको मिलते हैं 15,000 से 20,000 रुपए वाले प्राइस सेगमेंट में। तो अगर आपका भी बजट है 15,000 से 20,000 रुपए के आसपास, फरवरी 2022 के महीने में आप अपने लिए एक अच्छा बढ़िया और परफेक्ट स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं आपकी जरूरतों के हिसाब से, तो ये वाला जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखना, डेफिनेटली आप डिसाइड कर पाओगे कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए कौन सा फोन सही रहने वाला है। क्योंकि अगर आप हमारे वीडियोस को पहले से फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, अगर पहली बार देख रहे हैं तो बता देता हूं, हमारे चैनल पर हम 5-4-3-2-1 की गिनती नहीं करते हैं। पांच स्मार्टफोन बताऊंगा, पांचों स्मार्टफोन अपनी अपनी जगह सॉलिड स्मार्टफोन है। डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है एंड आपके हिसाब से पांचों में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए फिट रहता है। बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट करते हैं। लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 700 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते भाई बातचीत को, और हमेशा की तरह वीडियो को स्टार्ट करते हैं नॉन चाइनीज ऑप्शन के साथ में। अगर आप भी उन लोगों में से एक है जिनको चाइनीज ब्रांड्स पर ट्रस्ट नहीं है, जो नॉन चाइनीज फोन खरीदना चाहते हैं, तो यहां पर आप परचेस कर सकते हैं लावा की तरफ से आने वाले लावा अग्नि 5G को। ये जो स्मार्टफोन है पर्सनली मैंने यूज किया और बहुत ही सॉलिड स्मार्टफोन है भाई। प्लास्टिक बिल्ड पर आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन मिलता है, दिखने में भी फोन काफी अच्छा है। 6.78 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले मिलता है, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में IPS LCD पैनल दिया गया है सेंटर कंसोल के साथ में। साथ ही साथ 90 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिलता है, 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है। डिस्प्ले क्वालिटी इस फोन के अंदर आपको बहुत अच्छी मिलती है। परफॉर्मेंस के लिए यहां पर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 चिपसेट मिलता है, जो कि डे टू डे की परफॉर्मेंस तो अच्छी देता ही देता है, गेमिंग भी आपको बहुत अच्छी करा देता है, तो परफॉर्मेंस में आपको शिकायत नहीं आएगी। कैमरास की अगर बात करें तो चार कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ है, 64+5+2+2 मेगापिक्सल के चार कैमरास पीछे की तरफ दिए गए हैं एंड फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। कैमरा मॉड्यूल कैमरा आउटपुट दोनों यहां पर डिसेंट निकल करके आते हैं। बैटरी की अगर बात करें 5000mAh की बैटरी यहां पर आपको देखने के लिए मिलती है। 33W की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, 33W का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट दिया गया है, 3.5mm जैक मिलता है एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। एंड इस फोन का 8GB+128GB वाला वेरियंट आपको मिलता है 19,999 रुपए में। तो नॉन चाइनीज फोन अगर आपको खरीदना है 5G कैपेबिलिटीज के साथ में, अच्छी परफॉर्मेंस के साथ में, लावा अग्नि 5G की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो। आगे चलते भाई बात करते हैं गेमर्स के बारे में, और गेमर्स के लिए इस सेगमेंट में पोको X3 प्रो से बेटर कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। बेटर क्या, इसके आसपास भी कोई ऑप्शन नहीं है भाई। पोको X3 प्रो प्लास्टिक बिल्ड पर आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन मिलता है, 6.67 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है, फुल एचडी प्लस का रिजोल्यूशन है, IPS LCD पैनल मिलता है सेंटर कंसोल के साथ में, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है, डिस्प्ले क्वालिटी बहुत सही यहां पर आपको मिल जाती है। परफॉर्मेंस के लिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 860 चिपसेट यहां पर दिया गया है, जो कि बीस्ट चिपसेट है भाई। डे टू डे की परफॉर्मेंस बटरी स्मूथ आपको मिलती है, गेमिंग भी आपको बटरी स्मूथ करा देता है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। कैमरास की अगर बात करें तो चार कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ है, 48+8+2+2 मेगापिक्सल के चार कैमरास पीछे की तरफ दिए गए हैं एंड फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। कैमरा मॉड्यूल और कैमरा आउटपुट दोनों यहां पर आपको डिसेंट मिलते हैं। बैटरी की अगर बात करें 5160mAh की बैटरी यहां पर आपको मिलती है, 33W की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, 33W का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है, चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट दिया गया है, 3.5mm जैक मिलता है एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है एंड 6GB+128GB वाला वेरिएंट इस फोन का आपको मिलता है 18,999 रुपए में। तो सॉलिड गेमिंग अगर आपको करनी है पोको X3 प्रो की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो। आगे चलते भाई बात करते हैं उन लोगों की जिनको अपने फोन में कचरा पट्टी पसंद नहीं है भाई, जिनको ब्लोटवेयर पसंद नहीं है, एड्स पसंद नहीं है, जिनको UI पसंद नहीं है, जिनको चाहिए स्टॉक एंड्रॉइड, वो लोग जा सकते हैं मोटोरोला की तरफ से रिसेंटली लॉन्च किए गए G71 5G की तरफ। ये जो स्मार्टफोन है प्लास्टिक बिल्ड पर आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन मिलता है, 6.4 इंचेस का डिस्प्ले यहां पर आपको मिलता है, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में सुपर एमोलेड पैनल यहां पर दिया गया है, जो कि सेंटर कंसोल के साथ में आता है। हालांकि 60 हर्ट्ज का नॉर्मल रिफ्रेश रेट मिलता है, लेकिन एमोलेड पैनल यहां पर आपको दिया गया है। डिस्प्ले क्वालिटी फोन के अंदर आपको अच्छी मिलती है। परफॉर्मेंस के लिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट दिया गया है, जो कि डे टू डे की परफॉर्मेंस तो अच्छी देता ही है,
गेमिंग भी आपको डिसेंट करा देता है, तो परफॉर्मेंस का सेगमेंट सेटल्ड है, उसमें ज्यादा शिकायत आपको नहीं आएगी। कैमरास की अगर बात करें तो तीन कैमरास के सेटअप पीछे की तरफ है, 50 प्लस 8 प्लस 2 मेगापिक्सल के तीन कैमरास पीछे की तरफ दिए गए हैं एंड फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। कैमरा मॉड्यूल एंड कैमरा आउटपुट दोनों यहां पर आपको बढ़िया मिल जाते हैं, उसमें आपको शिकायत नहीं आने वाली है। बैटरी की अगर बात करें तो यहां पर आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है। 33 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। 30 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। चार्ज करने के लिए टाइप सेल पोर्ट दिया गया है। 3.5 mm जैक मिलता है एंड रेयर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है एंड 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 18,999 रुपए में। तो अगर आपको ऐसा फोन लेना है जहां पर आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिले, कोई ब्लोटवेयर ना हो, मोटो G71 5G की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो। आगे चलते भाई, बात करते हैं एक 5G ऑलराउंडर फोन के बारे में। ऐसे लोग जिनको सारी चीजें चाहिए अपने फोन के अंदर, साथ ही में 5G कैपेबिलिटीज भी चाहिए, तो वो लोग जा सकते हैं iQOO Z3 की तरफ। बहुत सही फोन है भाई, हालांकि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में आता है, लेकिन अच्छा स्मार्टफोन है। प्लास्टिक बिल्ड पर आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन मिलता है। 6.58 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। IPS LCD पैनल यहां पर आपको मिलता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। डिस्प्ले क्वालिटी इस फोन की बहुत अच्छी है, डिस्प्ले में आपको शिकायत नहीं आएगी। परफॉर्मेंस के लिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 768G चिपसेट मिलता है, जो कि डे टू डे की परफॉर्मेंस तो अच्छी देता ही देता है भाई, गेमिंग भी बहुत अच्छी करा देता है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। कैमरास की अगर बात करें तो तीन कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ है, 64 प्लस 8 प्लस 2 मेगापिक्सल्स के तीन कैमरास पीछे की तरफ दिए गए हैं एंड फ्रंट में अगर बात की जाए तो 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा मिलता है। कैमरा मॉड्यूल कैमरा आउटपुट दोनों फोन के बहुत अच्छे हैं, उसमें आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं आने वाली है। बैटरी की अगर बात करें तो 4400 mAh की बैटरी यहां पर आपको दी गई है। 55 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है एंड 66 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट दिया गया है। 3.5 mm जैक मिलता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है एंड 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट इस फोन का आपको मिलता है 17,990 रुपए में। तो अगर आपको एक 5G ऑलराउंडर फोन लेना है, iQOO Z3 की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो। एंड लास्ट में बात करते हैं 4G ऑलराउंडर फोन के बारे में। ऐसे लोग जिनको भाई साहब स्पेसिफिकेशन से ज्यादा मतलब है, जिनको 5G कैपेबिलिटी से ज्यादा मतलब नहीं है लेकिन स्पेसिफिकेशन सॉलिड होनी चाहिए, वो लोग जा सकते हैं Redmi Note 10 Pro की तरफ। जी हाँ, बहुत टाइम से मेरी लिस्ट में टॉप पर आता है और इस महीने भी टॉप पर आया है, क्योंकि फोन ही भाई बहुत अल्टीमेट है। फुल ग्लास बिल्ड यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। आगे पीछे दोनों तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। बिल्ड क्वालिटी सॉलिड मिलती है। 6.67 इंचेस का यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिलता है, फुल एचडी प्लस के रेजोल्यूशन के साथ में। सुपर एमोलेड पैनल यहाँ पर आपको दिया गया है एंड साथ ही साथ 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिलता है। 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। डिस्प्ले क्वालिटी इस फोन के अंदर बहुत अच्छी आपको मिलती है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G चिपसेट मिलता है, जो कि डिसेंट परफॉर्मेंस आपको निकाल के देता है। डे टू डे की परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी मिल जाती है, गेमिंग भी आप डिसेंट कर लेते हैं, तो परफॉर्मेंस के सेगमेंट में आपको ज्यादा शिकायत नहीं आने वाली है। कैमरास की बात करें तो भाई बहुत ही सॉलिड कैमरा आपको इस फोन के अंदर मिलता है। चार कैमरास के सेटअप पीछे की तरफ दिया गया है। 64 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2 मेगापिक्सल के चार कैमरास पीछे की तरफ मिलते हैं। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। कैमरा मॉड्यूल कैमरा आउटपुट दोनों फोन के बहुत ही अच्छे निकल के आते हैं, लिटरली बहुत ही अच्छा कैमरा मॉड्यूल है। तो कैमरा ओरिएंटेड फोन अगर आपको लेना है तो भी आप इस फोन को खरीद सकते हैं। बैटरी की अगर बात करें तो 5020 mAh बैटरी यहां पर आपको दी गई है एंड चार्ज करने के लिए 33 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिलता है। 33 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर दिया गया है। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट मिलता है। 3.5 mm जैक भी मिलता है एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है एंड 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट इस फोन का आपको मिलता है 17,999 रुपए में। तो अगर आपको एक अल्टीमेट ऑलराउंडर फोन लेना है जहां पर सारे बॉक्सेस टिक्ड हो, तो Redmi Note 10 Pro की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो। तो भाई ये थे 5 ऐसे स्मार्टफोन्स जो आपको मिल जाते हैं 15,000 से 20,000 वाले प्राइस सेगमेंट में और फरवरी 2022 के महीने में जरूरत के हिसाब से, आपकी जरूरत के हिसाब से आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या रहती है एंड इन पांचों में से आप कौन सा स्मार्टफोन खरीदना पसंद करेंगे, या फिर इस सेगमेंट में बहुत सारे फोन्स अवेलेबल हैं तो क्या आप किसी और स्मार्टफोन की तरफ जाना पसंद करेंगे। कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।